गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज डी ऑफ वर्कशीट 1. ओके, राइट ट्रू और फॉल्स. ट्रू मीन्स होता है सही और फॉल्स मीन्स होता है गलत. मीन्स जो सेंटेंस सही है वहाँ हमें ट्रू लिखना है और जो सेंटेंस रॉन्ग है वहाँ हमें फॉल्स लिखना है. सो नंबर 1 इज, इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप अवर बॉडी क्लीन एंड टाइडी. यह जरूरी है कि हमें अपनी बॉडी को क्लीन एंड टाइडी रखना चाहिए. तो ये सेंटेंस सही है या गलत है? दिस सेंटेंस इज ट्रू. सही है ये सेंटेंस. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? TRUE, ट्रू. सो राइट हियर, ट्रू. नंबर 2 इज, शुड वी ब्रश ओनली व्हेन वी राइज अप. हमें सिर्फ उठते ये यहाँ बेटा ये रॉन्ग प्रिंट हो गया है. यहाँ आप राइज अप लिखेंगे. शुड बी ब्रश ओनली व्हेन वी राइज अप. सिर्फ हमें उठते टाइम ही ब्रश करना चाहिए? नो, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग ना. हमें उठते हैं तब भी ब्रश करना चाहिए और सोने जाने से पहले भी ब्रश करना चाहिए. सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. सो राइट हियर, फॉल्स. FALSE, फॉल्स. नंबर 3 इज, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टेक बाथ डेली. क्या हमें डेली बाथ नहाना जरूरी नहीं है? तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. सो राइट हियर, फॉल्स. FALSE, फॉल्स. नंबर 4 इज, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज अ गुड हैबिट. हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए, तो ये सही हैबिट है. तो दिस सेंटेंस इज ट्रू. सो राइट हियर, TRUE, ट्रू. नंबर 5 इज, कॉमिंग अवर हेयर मेक्स अस लुक स्मार्ट. हमें स्मार्ट दिखने के लिए अपने हेयर्स कॉम करने चाहिए? ट्रू. सो राइट हियर, TRUE, ट्रू. सो चिल्ड्रन, प्लीज डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक एंड यू विल डू दिस एक्सरसाइज ई. आपको एक्सरसाइज ई भी करनी है या आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प से करनी है. आस्क योर पेरेंट्स अबाउट योर चाइल्डहुड, सी हाउ मच दे रिमेंबर. आपको अपने पेरेंट्स से अपने बचपन के बारे में पूछना है, ठीक है? अपने बचपन के, आप जब छोटे थे उसके बारे में आपको पूछना है. सी हाउ मच दे रिमेंबर, कि उन्हें कितना याद है, कि उन्हें आपके बारे में कितना याद है. तो आप ये वाली एक्सरसाइज अपनी बुक में अपने पेरेंट्स की हेल्प से करेंगे, ठीक है? नंबर 1 इज, एट वॉट टाइम वर यू बॉर्न. आपका जन्म कब हुआ था? तो यहाँ आपको अपने पेरेंट्स से पूछकर यहाँ लिखना है. नंबर 2 इज, व्हेन डिड यू टेक योर फर्स्ट स्टेप. आपने अपना फर्स्ट स्टेप कब लिया था, आप कब चलने लगे थे? तो यहाँ पूछकर लिखना है. नंबर 3 इज, व्हेन डिड यू लर्न टू सिट. आपने बैठना कब सीखा था, वो आप अपने पेरेंट्स से पूछकर यहाँ लिखेंगे. नंबर 4 इज, व्हेन डिड यू गेट योर फर्स्ट टूथ. आपका पहला दांत कब आया था, ये आप पेरेंट्स की हेल्प से पूछकर यहाँ लिखेंगे. सो पेरेंट्स, सो चिल्ड्रन, प्लीज डू दिस एक्सरसाइज डी एंड ई इन योर बुक. थैंक यू.